नमस्कार मित्रों, मैं YouTube चैनल अध्यात्म और संसार से मुनीश शर्मा। आज एक बहुत अच्छी खुशखबरी आपको पहले देता हूँ। मैंने पिछली वीडियोस में कहा था कि जो भी कोरोना के शिकार हो, कोई बीमार हो कोरोना के कारण, तो वो मुझे कमेंट करे और उनका इलाज कोई लंबा समय नहीं लगेगा, 2 घंटे में उनका बुखार भी उतर जाएगा, वेंटिलेटर पे होंगे तो वेंटिलेटर भी 3-4 घंटे में हट जाएगा। तो एक तो आपको ये बताता हूँ जो मरीज ठीक हुए हैं, और दूसरे आज आपको बताऊँगा अगर एनर्जी किसी को कम फील हो रही है, अधिक फील करनी है, एनर्जी को ज़्यादा रेकी को फील करना है तो किस तरह से हम कर सकते हैं, दोनों चीज़ आपको बताता हूँ। तो पहले जब मैंने शुरू शुरू में कहा था कि इसका इलाज जो है वो रेकी से आराम से हो जाएगा, तो आप इसकी चिंता ना करें, रेकी के इलाज हो जाएगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि रेकी से अगर ठीक हो रहे हैं मरीज तो लोग जाके बाहर घूमें, आप लोगों से मिलें, उनके टच में आएं, या इस तरह से लॉकडाउन को तोड़ें या अपनी जान को खतरे में डालें, वो क्योंकि उसके बहुत अधिक दुष्परिणाम हैं। उसका इतना ही नहीं है कि लोग बीमार हो रहे हैं तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन उसके अलावा जो लोगों ने जिनकी हीलिंग की है, जिनको हीलिंग दी है, तो कुछ परिवार इटली से थे और कुछ कनाडा से थे, तो उन्होंने इतना ज़्यादा मेंटल टॉर्चर झेला है कि वो इस हद तक टॉर्चर के कारण जिसको पता चल गया कि अभी उसको कोरोना हो गया है, तो वो हर वक्त उसको ऐसे ही लगता है कि मैं अभी मरा और अभी मरा। उस टॉर्चर के कारण वो इतने ज़्यादा परेशान थे कि इतने ज़्यादा डिप्रेस हो गए थे कि वो ऐसे अब कह रहे थे कि इससे तो अच्छा है कि अब मौत ही आ जाए, मर ही जाए, अब इतना टॉर्चर नहीं झेल सकते, अब मर ही जाए तो बहुत छुटकारा हो जाए, इतना वो ज़्यादा डिप्रेस हो गए थे लोग। तो ऐसा हाल तो हो जाता है लोग इससे, क्योंकि इसका लोगों में डर बहुत ज़्यादा बैठ गया है, हद से ज़्यादा डर बैठ गया है, इसलिए ये बहुत खतरनाक हो गया है अब। इसलिए आप पहले तो अपने घरों पे बैठें, सुरक्षित बैठें, जैसे लॉकडाउन है उसका पालन करें। और दूसरा बात है कि मैंने कहा था कि लोगों का 2 घंटे में इलाज हो जाएगा, उसका कारण ये था क्योंकि ये कोई बहुत लंबी चौड़ी बीमारी नहीं होती, कोई ये नहीं है, कोई अगर कोई सालों की बीमारी होती है तो वो चाहे 2 घंटे में ठीक ना हो। अब कोरोना है, ये कोई संक्रमण हो गया शरीर में और कोई लंबे समय से नहीं था। मुझे कुछ जो कमेंट्स आए थे इटली से, तो उनके वहाँ पे पूरा पूरा परिवार, छोटे बच्चे से लेके बड़े बूढ़े तक, सारे के सारे इन्फेक्टेड हो गए थे, सबको कोरोना हो गया था। कुछ की हालत बहुत गंभीर थी और कुछ बिल्कुल नॉर्मल ही थे, उनको सरकार ने घरों में बंद किया हुआ था, लेकिन जो बहुत गंभीर हाल में थे वो हॉस्पिटल में थे। तो जो उससे पहले मुझे भारत से भी 3-5 लोगों का पता चला था, जिनकी लिस्ट आई थी कि ये इफेक्टेड है, शायद वो इंदौर से थे, तब मैंने उनको फ़ोन किया था सबको, लेकिन उनमें से 2 लोग थे जो वो तो पहले ही रेकी का इलाज करवा रहे थे, लेकिन 3 लोग उनके लिए ज़िंदगी से अपने धर्म से बढ़कर और कुछ भी नहीं था। उनको जैसे मैंने अपना नाम बताया और इस तरह से मैंने बताया कि मैं हीलिंग कर दूंगा, अपनी फ़ोटो भेज दें, मैं 2 घंटे में, मरीज अपने मुंह से खुद बोल देगा, उनसे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मरीज खुद उठ के बैठ जाएगा, 2 घंटे में उसका बुखार उतर जाएगा, मुझे सिर्फ उनकी फ़ोटोज़ भेज दें। लेकिन वो कुछ इतने ज़्यादा कट्टर मजहबी थे, अपने धर्म के प्रति इतने ज़्यादा उनके मन में कट्टरता भरी हुई थी कि उनको ऐसा लगा कि ये हिंदू है, इससे उपचार नहीं करवाना चाहिए, तो वो बार बार मेरा फ़ोन ही काट रहे थे। एक बार उनसे मेरी बात हो गई, उसके बाद जब दोबारा कांटेक्ट करूँ तो फ़ोन ही काट देते थे वो, इतने ज़्यादा धर्म के प्रति वो कट्टरता से भरे हुए थे बहुत। लेकिन मुझे जो इटली से मिले थे, कनाडा से मिले थे, वहाँ पे पूरे पूरे मरीज थे जो लोग वो इफेक्टेड थे इसके साथ। तो जैसा कि मैं कहता हूँ कि कोविड-19 के मरीज 2 घंटे में उठ के बैठ जाएंगे, जबकि उनकी हालत ऐसी बुरी थी, एक की तो कि जो कि बिल्कुल लास्ट स्टेज में थी, और डॉक्टर बोल रहे थे कि अब 8 दिन से ज़्यादा बुखार हो गया है, अगर अभी भी इनका बुखार ना उतरा तो ये बिल्कुल लास्ट स्टेज में वेंटिलेटर पे अब जाने वाले हैं, या बिल्कुल डेंजर स्टेट में पहुंचने वाले हैं। वो अपने आप से उठना तो बहुत दूर, बोल भी नहीं पाते थे, ऐसे ऐसे मरीज थे। लेकिन जैसे ही उनको 2 घंटे मैंने हीलिंग दी है, तो हीलिंग की ऐसी कृपा हुई परमात्मा की ये कि
2 घंटे में उनका बुखार, जो कई कई दिन से बुखार नहीं टूट रहा था, 2 घंटे में बुखार टूट गया और एक ही दिन में वो स्टेज में आ गए कि वो उठ के बैठने लगे। दूसरे दिन उठ के खाना पीना भी उन्होंने शुरू कर दिया था 2 घंटे में ही। तो उसका कारण सबसे बड़ा यह भी था, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सभी बीमारियां 2 घंटे में ठीक हो जाती हैं, बल्कि बीमारी जितनी पुरानी हो, बड़ी हो, उसको ठीक होने में उतना अधिक समय लग जाता है। कई बार ऐसा होता है कि 50% केसों में बीमारियां बहुत पुरानी पुरानी होती हैं, 20-20 साल की, और एक ही बार की रेकी में वो हट जाती हैं। लेकिन फिर भी रेकी का रूल होता है 21 दिन से कम तो हीलिंग की ही नहीं जाती, मतलब 1 महीना तो उसे हीलिंग हर हाल में करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे कर्म बंधन होते हैं हमारे, जिस कारण वो समस्या हुई होती है। तो फिर भी आपसे ये कहना चाहूँगा, आपको बता तो जरूर रहा हूँ कि इस तरह से मरीज ठीक हुए, कि आप फिर भी अपने घरों में बैठे, क्योंकि इससे जो आपको मेंटल टॉर्चर झेलने को मिलेगा, जिसको पता चल गया उसको बुखार भी हो गया, वो भी इतना मर जाता है, इतना डिप्रेस हो, इतना टेंशन में आ जाता है कि हद से बुरा हाल तो उसका हो जाता है, जो मैंने लोगों का देखा है। लेकिन जिसको सचमुच में कोरोना हो गया, उसे पता चल गया मुझे कोरोना हो गया, वो डर से ही इतना उसका बुरा हाल था कि उसके आगे शारीरिक दर्द कुछ भी नहीं है। तो मानसिक रूप से इतने लोग परेशान, इतने दुखी हो जाते थे कि वो आत्महत्या तक करने को तैयार होते थे। इसलिए आप अपने घरों में बैठे पहले से सुरक्षित, फिर भी आपके पास दूसरा कोई कैसा भी मरीज हो, इसका कैसा भी मरीज हो, वो आप कहीं भी दाखिल रहे, कहीं भी दवाई ले, कहीं भी घर पे रहे, बंद रहे, या कहीं भी बंद रहे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। वो जहाँ पे हो वहीं से आप मुझे कमेंट कर दें और मुझे उनकी फ़ोटो पहुँचा दें, मैं अपना नंबर उनको दे दूँगा जिनको ये समस्या है, मैं नंबर दे दूँगा, अपनी फ़ोटो मुझ तक पहुँचा दें और सिर्फ 2 घंटे हीलिंग दूंगा। 2 घंटे में चाहे बुखार 8 दिन से हो, चाहे 10 दिन से, 2 घंटे में उतर जाएगा और दूसरे दिन मरीज खाने पीने लग जाएगा आराम से, इस बात की पक्की श्योरिटी है। ये अब कई मरीज भी आ चुके हैं, और दूसरा जो मेरा इतना 15 साल का एक्सपीरियंस था वो भी मैंने देखा। 2 घंटे, वैसे मैं काफ़ी लंबा समय बोल रहा हूँ, असल में आधा घंटा ही लगता है इसके लिए। एक बार चक्कर साफ हो जाते हैं तो एनर्जी साफ हो जाती है, बुखार वगैरह उतर जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है। अब अगर बीमारी कोई दूसरी लंबी हो, काफ़ी समय से बीमारी चल रही हो, तो उसको समय भी लग जाता है, लेकिन यह है कि 1-2 घंटे में उसे पता चल जाता है आदमी को कि मेरा शरीर पहले से कितना हल्का हो गया है, एक्टिव हो गया है। पुरानी से पुरानी बीमारियाँ, लगभग 50% बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो एक बार में हीलिंग करने से हट जाती हैं, अगले 21 दिन तक उनको विशेष तरह से एक हीलिंग करनी पड़ती है, ताकि वो उसका कोई रास्ता ऐसा ना रहे, कोई ऐसी जड़ शरीर में उसके बाकी ना बचे कि वो दोबारा हो सके। तो इस तरह से हम 1-1.5 महीना तो हीलिंग हर एक व्यक्ति की करते ही हैं। तो ये परमात्मा की कृपा से जो मरीज ठीक हुए हैं, तो इसमें ऐसा कोई मेरी महानता नहीं है कि मैंने किया है, अगर मेरा तो सच में, ये आप देख रहे हैं यहाँ से बाल झड़े हुए, अगर मुझ में कोई पावर होती तो मैं अपने बाल ही जोड़ लेता पहले। तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मनुष्य कुछ कर ही नहीं सकता, कोई बड़े से बड़ा चाहे हीलर हो, मनुष्य सिर्फ बैठ सकता है, हीलिंग दे सकता है, हीलिंग से चमत्कार हो जाते हैं। वो परमात्मा की कृपा है, वो रेकी की शक्ति है, वो उस प्रभु की कृपा है, उससे सब कुछ हो जाता है, बड़े बड़े असंभव काम हो जाते हैं, मनुष्य के द्वारा नहीं होते, लेकिन मनुष्य को माध्यम बनाती है वो शक्ति, मनुष्य के द्वारा हो जाता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा अपनी औकात याद रखनी चाहिए कि वो अपना टूटा हुआ बाल भी नहीं जोड़ सकता, लेकिन बड़े बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती हैं वो परमात्मा की कृपा से ठीक हो जाती हैं। अब बात करते हैं, अगर आपके हाथों में कम सेंसेशन होती है, या आप किसी, कोई कोई मरीज ऐसा भी होता है, कोई आदमी जिसको पता ही नहीं चलता कि रिकी महसूस ही नहीं होती, तो एक तो मैंने पहले भी टेक्निक बताई थी, उसके लिए अलावा दोबारा बता देता हूँ, आप ध्यान में बैठें, इस तरह से हाथ खोल लें और हाथों में 2 चक्कर महसूस करें, सूर्य जैसे 2 यहाँ पे चक्कर क्लॉकवाइज, जैसे आप देखें क्लॉक की सुई कैसे घूम रही है आगे की तरफ, यहाँ पे दोनों हाथों में और दोनों पैरों की तलियों में, पैरों के मध्य में यहाँ 2 तलियां होती हैं, दोनों तलियों में महसूस करें। पैरों को सीधे इस तरह से ही रखना होता है हीलिंग में पहले 21 दिन, और महसूस करना है यहाँ पे बीच में 2 सूर्य जैसे चक्र हैं वो घूम रहे हैं क्लॉकवाइज, और उनमें लगातार प्रकाश बढ़ रहा है। इसी तरह से 2 हाथों में आप प्रकाश के गोले महसूस करें और वो लगातार बढ़ रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे आप इसके ऊपर ध्यान एकाग्र रखेंगे, आपकी सेंसेशन, आपकी जो
महसूस करने की शक्ति है वो बढ़ने लगती है, उसके साथ में ध्यान गहरा होने लगता है। और जैसे जैसे ध्यान गहरा होता है ये चक्र एक्टिवेट होते हैं, चक्र एक्टिवेट होने से ऊर्जा आपको आराम से महसूस होनी शुरू हो जाएगी, आपकी ऊर्जा पहले से अधिक बढ़ जाएगी। जितनी हीलिंग आपके हाथों से पहले प्रवाहित होती थी उससे अधिक हाथों से प्रवाहित होने लग जाएगी। बाकी दूसरी इससे भी बड़ी चीज़ ये होती है कि जब कोई व्यक्ति रेकी करते करते गहरे ध्यान में चला जाता है तो रेकी की पावर अपने आप बढ़ जाती है, और इतनी बढ़ जाती है जिसकी कोई हद नहीं, इतनी तीव्र हीलिंग आने लग जाती है और हाथों से प्रवाहित होने लग जाती है कि पूरे संसार को भी एक ही बार में वो हील कर सकती है, सभी को कर सकती है। वो नहीं करते, उसके कार्मिक दूसरे कारण होते हैं, वो दूसरी चीज है, लेकिन इतनी पावर परमात्मा की कृपा से व्यक्ति के अंदर, साधक के अंदर आने लगती है जब कोई रेकी करते करते ध्यान में गहरा जाने लगता है। तो ध्यान में गहरा जाने का एक और होता है, जिन्होंने लगभग जिनकी साधना बहुत अच्छी हो चुकी है, तो साधना बढ़ाने के लिए एक और जो मेरा अनुभव था वो ये था कि आप दूसरे किसी व्यक्ति को बैठा लें अपने पास में जिसकी आपको हीलिंग करनी है, या नहीं भी हीलिंग करनी, कोई परिवार का मेंबर जो तंदुरुस्त हो, आप उसके सर के ऊपर हाथ, पहले रेकी का आवाहन करें, जब रेकी हाथों से प्रवाहित होने लगे तो उसके सर के ऊपर रखें, उसके सर के ऊपर जैसे जैसे हीलिंग जा रही है तो अपना ध्यान आप हाथों से प्रवाहित होती ऊर्जा के ऊपर एकाग्र करें। जैसे जैसे आपका ध्यान ऊर्जा के ऊपर एकाग्र होगा आपका ध्यान टिकने लग जाएगा, आप एक ही जगह पर स्थिर होने लग जाएंगे। आपका ध्यान अभी बंट रहा होता है, जो जब आदमी चाहे साधना करे, ध्यान करे, भजन करे, तो 36 विचारों में ध्यान जो है बटा होता है, इसलिए ऊर्जा का प्रवाह एक लिमिट तक चलता है। जब आप लगातार एक व्यक्ति को ऊर्जा देने लग जाते हैं, एक स्थान को ऊर्जा देने लग जाते हैं, उसी पर एकाग्रता करते हैं, तो आप, क्योंकि वो शक्ति है तो वो आपके ध्यान को आराम से बांध लेगी, वो अपने आप ही बांध लेगी, अपने आप ही आपके ध्यान को एकाग्र कर लेती है। तो जब जैसे जैसे आपके हाथों से ऊर्जा प्रवाहित हो रही है उसके ऊपर ध्यान रखें, किसी के सर के ऊपर रखेंगे तो डबल एनर्जी हो जाती है, उसकी भी एनर्जी है, उसकी एनर्जी आपकी ऊर्जा को अपने भीतर खींचेगी। ऐसा अगर कोई पहले लेवल वाला हो या जिसकी साधना कम हो तो ऐसे व्यक्ति को किसी मरीज के ऊपर ट्राई नहीं करना चाहिए, क्योंकि मरीज के ऊपर करेंगे तो हो सकता है उसकी किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आप अपने ऊपर अट्रैक्ट कर लें, या आपके ऊपर कोई नकारात्मक ऊर्जा आ जाए तो आपको परेशानी ना हो। इसलिए कोई स्वस्थ आदमी हो उसके ऊपर आप बैठा लें, किसी बच्चे को, किसी स्वस्थ आदमी को, उसके सर के ऊपर दोनों हाथ रखें और ऊर्जा देनी जैसे ही आप शुरू करेंगे। कोई थोड़ा बहुत बीमार हो, हल्का फुल्का, आपके परिवार का मेंबर, उसे हीलिंग दे लें, तो जैसे जैसे उसकी बॉडी है वो भी आपके हाथों से वैसे ऊर्जा खींचने लग जाती है जैसे वैक्यूम क्लीनर के द्वारा खिंचाव पड़ता है, वैसे ही खिंचाव आपके हाथों में पड़ना लग जाएगा। जैसे जैसे आपके हाथों से खिंचाव पड़ेगा आपका ध्यान वहाँ पर एकाग्र होने लग जाएगा, आपके ध्यान की एकाग्रता से ऊर्जा आपकी कई गुना बढ़ जाती है। आप अपने आप में ऐसा अनुभव करेंगे जैसे आप पत्थर की मूर्ति होते जा रहे हैं, स्थिर होते जा रहे हैं, एक ही जगह पर टिकते जा रहे हैं। आप इस तरह से करें, दो ध्यान प्रयोग है। बाकी फिर भी आपसे कहूँगा कि जितना हो सके घरों में रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि इससे जो शारीरिक कष्ट होगा सो होगा, लेकिन मेंटल टॉर्चर जो मैंने लोगों को होते देखा है वह बहुत अधिक है। इसलिए अपनी सेफ्टी रखें, अपने आप में रहें। बीमारी चाहे कम है या ज़्यादा है वो बात अलग है, लेकिन हमारा देश है, हमारा कानून है, इसका पालन भी हमको ही करना है, इस बात का ध्यान रखें। धन्यवाद। परमात्मा आपके ऊपर सदा अपनी कृपा, अपनी दया का हाथ रखे। धन्यवाद। नमस्कार।